की कोशिश का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिस पर राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन के प्रथम सचिव सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान से अपनी गिरेबान में झांकने को कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद के तंत्र और ईश निंदा कानून का लगातार दुरुपयोग कर रहा है। जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र में भारत ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान की ओर से मानवाधिकार परिषद और उसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग लगातार जारी है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन के प्रथम सचिव सेंथिल ने कहा है कि ये चिंता का विषय है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में अकेला ऐसा देश है जहां सरकार नरसंहार करती है। उन्होंने कहा कि दूसरों को राय देने से पहले पाकिस्तान अपने यहां हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान दे। It is unfortunate that Pakistan continues to maintain its track record of misuse of the Human Rights Council and its mechanism. It is a matter of serious concern that Pakistan, being the only country in South Asia of effecting a state-sponsored genocide, would have the audacity to accuse others of it. It is dangerous that Pakistan now attempts to destabilize the well-established mandate of the Council and its mechanisms for serving its narrow political agenda against India. सेंथिल कुमार ने कहा कि पाकिस्तान लोगों के गायब हो जाने को अपराध की श्रेणी में नहीं डाल रहा है। उन्होंने बलूचों, पश्तूनों और अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे जुल्म की दास्तान दुनिया के सामने रख पाकिस्तान को फिर से बेनकाब किया। Attention of the council is drawn to the culture of impunity and crimes against humanity that the regimes and its puppets enjoy in Pakistan. It is not surprising that Pakistan does not criminalize enforced disappearances. About 2,500 people of Khyber Pakhtunkhwa continues to be missing for their political, religious affiliations or defense of human rights. Enforced disappearances, state violence, and forced mass displacements, harassment, extrajudicial killings, army operations, torture, kill and dumps, torture camps, detention centers, military camps are regular features in Balochistan. भारत ने प्रस्ताव दिया है कि मानवाधिकार परिषद को सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा यानी कि UPR प्रक्रिया को जारी रखने की अवधि बढ़ानी चाहिए। साथ ही कहा है कि यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू तंत्र सभी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संवर्धन और संरक्षण के लिए एक प्रभावी साधन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।